हाय गाइस, नाउ टुडे विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है ट्रायंगल्स। नाउ ट्रायंगल्स हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी कांग्रुएंट। हमने वहाँ पर ये देखा था कि कब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं और हम उनको प्रूफ किस टाइप से करते हैं। नाउ यहाँ पर हम नया टॉपिक देखेंगे, सिमिलैरिटी। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कब दो ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कांग्रुएंट और सिमिलर इन दोनों को समझते कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ तो कांग्रुएंट हम जानते हैं क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दो ऑब्जेक्ट कांग्रुएंट कब होते थे? जब उनका साइज और उनका शेप दोनों सेम हो, सेम साइज एंड सेम शेप। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, अब अगर मैं इसी की कॉपी कर दूँ तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में कांग्रुएंट। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी जस्ट कॉपी की है, तो इसकी रेडियस सेम है इसलिए इसका साइज भी सेम होगा और इस ये दोनों शेप में भी एक जैसे हैं इसलिए क्या होंगे? कांग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में क्या होगा? अगर इसी शेप को मैं बड़ा कर दूं इस टाइप से, तो आप देखेंगे कि ये शेप में तो एक जैसे बिल्कुल सेम है लेकिन अब इसका साइज अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर, ठीक है। कांग्रुएंट में क्या होगा कि सेम शेप होगा और सेम साइज होगा, लेकिन सिमिलर में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि उनका जो शेप है वो सेम होगा, साइज यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कांग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर सर्कल ले लिया है, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं कि दो ट्रायंगल कब कांग्रुएंट होंगे और दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ना मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है और मैं जस्ट इसकी एक कॉपी यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इनका शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट होते हैं तो उसमें छः बातें सेम होती है। क्या क्या? वो ये थी कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल थे। अगर हम इसको नाम दे दें, ये हो गया ए बी और सी, इसको नाम देते हैं डी ई और एफ। देन अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। देन एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, ठीक है। ये तो हो गई तीन बातें, और तीन बातें और इसमें इक्वल थी, वो क्या थी? कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ये भी आपस में क्या होती थी? इक्वल ना। तो ए बी साइड डी ए साइड के इक्वल होती थी, बी सी साइड ई एफ साइड के इक्वल होगी और ए सी साइड डी एफ साइड के इक्वल होगी, ठीक है। उसको हम किस टाइप से लिखते थे? अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई और एफ के, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल डी, देन एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती थी, वो क्या हो जाएगी? साइड ए बी इक्वल होगी साइड डी और ई के, देन साइड बी सी इक्वल होगी साइड ई एफ के और साइड ए सी इक्वल होगी साइड डी और एफ के, ठीक है ना। ये तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि सिमिलर में क्या क्या होता है ना। तो कांग्रुएंट में क्या होता था कि छः बातें इक्वल होती थी यहाँ पर, ऐसा कि ऐसा सिमिलर में भी है, यहाँ पर भी छः बातें इक्वल होगी, वो क्या होगी ना। तो उसको भी हम यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। एक तो इसमें क्या होता है, इसका शेप सेम होता है, साइज इसमें डिपेंड नहीं करता, साइज इसमें अलग अलग होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल का ही ले रहे हैं एग्जाम्पल ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है। देन अगर ये दोनों सिमिलर है तो यहाँ पर छह बातें कौन कौन सी इक्वल होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं ए बी और सी, देन ये हो गया डी ई और एफ, ठीक है। देन यहाँ पर भी एक बात कॉमन है कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे एंगल ए
एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात डिफरेंट है, वो क्या है कि यहाँ पर साइड इक्वल नहीं होती, यहाँ पर जो साइड होती है वो एक फिक्स रेशो में होती है। जैसे कि जो ए बी साइड और डी साइड का रेशो है वो ए सी साइड और डी एफ साइड के इक्वल होगा। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, पहले मैं एंगल लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, इसी टाइप से एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। और हम सिमिलर को किस टाइप से दिखाते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई और एफ के, ठीक है। कांग्रुएंट का साइन ये वाला था और सिमिलर का साइन सिर्फ इस टाइप से होगा, ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं आता है। देन अब हम बात कर रहे थे इसकी साइड की, तो जो साइड होती है वो एक फिक्स रेशियो में होती है। मैंने आपको कहा था जो ए बी और डी का रेशियो है वो ए सी और डी एफ के रेशियो के इक्वल होगा और वही बी सी और ई एफ के रेशियो के इक्वल होगा। इसको हम लिख के देखते हैं कि जो ए बी है, ए बी और डी ई जो करस्पॉन्डिंग साइड है, इसका अगर हम रेशियो करेंगे तो किसके इक्वल होगा, वो ए सी और डी एफ के, और यही रेशियो इक्वल होगा बी सी और ई एफ के, बी सी और ई एफ के, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसकी लेंथ हमने 2 ले ली, इसकी भी 2 ले ली और इसकी भी 2 ले ली, ठीक है। देन ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 5, इसकी भी 5 और इसकी भी 5, और जब हम इसका रेशियो निकालेंगे ए बी अपॉन डी ई तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5। देन जब रेशियो निकालेंगे हम ए सी अपॉन डी एफ का तो भी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5, और जब हम रेशियो निकालेंगे बी सी और ई एफ का तो भी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रेशियो इनका तीनों का इक्वल होगा, तो ये क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं इसमें कि दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल वर्ड का यूज़ करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि जो रेशियो है वो फिक्स रेशियो होगा, मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल हो या फिर इक्वल रेशियो में हो, ठीक है। वैसे जनरली हम प्रोपोर्शनली बोलते हैं, ठीक है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 6.1। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। हमको यहाँ पर वर्ड भी दे रखे हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल सर्कल्स आर कांग्रुएंट या सिमिलर। सारे सर्कल्स सिमिलर होंगे या कांग्रुएंट, तो हम एग्जाम्पल के तो समझ सकते हैं कि अगर सर्कल्स कांग्रुएंट होंगे तो उनकी रेडियस फिर सेम होना चाहिए, मतलब कि सेम साइज और सेम शेप ना। तो सारे सर्कल का शेप तो सेम हो सकता है लेकिन साइज सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मैंने बनाया है और मैं एक यहाँ पर बड़ा भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो इनका शेप तो हमेशा सेम होगा लेकिन साइज यहाँ पर सेम नहीं होगा, इसका मतलब ये कांग्रुएंट नहीं होंगे, क्या होंगे, सिमिलर ना। सेकेंड देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कांग्रुएंट ना। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उसकी चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है, मतलब कि वो आपस में इक्वल होती थी। तो अगर हम स्क्वायर बनाएंगे, ये हो गया एक स्क्वायर, देन और अगर हम स्क्वायर को बनाना चाहें तो हम बड़ा साइज का भी बना सकते हैं क्योंकि उसकी जो साइडें हैं वो चारों आपस में इक्वल होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन हो रही है कि यहाँ पर शेप तो सेम है लेकिन साइज यहाँ पर सेम नहीं होगा, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, कांग्रुएंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सारे स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। देन थर्ड क्या दिया हुआ है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जिसमें हमको दो ऑप्शन दिए हैं, आइसोसेलीस और इक्विलेटर। सबसे पहले हम आइसोसेलीस देखते हैं। आइसोसेलीस ट्रायंगल किसको कहते थे, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ आपको, एक ये हो गया आइसोसेलीस ट्रायंगल और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसमें ये दो साइड इक्वल है और इसमें ये दो साइड इक्वल है
ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शेप दोनों का अलग अलग है, तो अगर शेप अलग अलग है तो ये सिमिलर तो नहीं हो सकते, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल की। इक्विलेटर एंगल की क्या प्रॉपर्टी थी कि वहाँ पर तीनों एंगल सेम होते हैं, मतलब 60 डिग्री के होते हैं, और जो साइड है वो भी आपस में इक्वल होती है ना। ये मैंने एक इक्विलेटर एंगल बनाया और एक इक्विलेटर एंगल में और बना लेता हूँ यहाँ पर ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल होगा वो यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा, ये भी 60 का और ये भी 60 का, क्योंकि इक्विलेटर एंगल की प्रॉपर्टी होती थी सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। देन ये साइडें भी आपस में इक्वल होती है, तो अगर हम लेट करके चले, अगर 2 है ये 2 है और ये भी 2 होगी, देन यहाँ पर लेट करके चले गए ये 5 है ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। देन आप देख रहे हैं कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि जो एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल्स इक्वल है, और अगर हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। वो क्या निकलेगा, 2/5 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 2/5। इसका मतलब जो इक्विलेटर ट्रायंगल है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विलेटर। देन फोर्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर ना, क्या दिया है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर ना। पॉलीगन्स किसको कहते हैं, जो हमारे सारे ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स, पेंटागोन, हेक्सागोन, सारे जो भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स, ठीक है। सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल, क्योंकि उसमें 3 साइड होती है, उससे कम साइड का हम कोई पॉलीगन बना भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, ऐसे दो पॉलीगन जिनकी साइड सेम हो, ठीक है ना। तो सिमिलर कब होंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो हमने देखा था कि जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये सिमिलर होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रपोर्शनल ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। नाउ हमको यहाँ पर ब्रैकेट्स में दे भी रखा है, ठीक है, एक में आएगा इक्वल और एक में आएगा प्रोपोर्शनल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम इसका, अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। नाउ हमको यहाँ पर दो एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर कब होता है, अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे, इक्विलेटर ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है, और सर्कल भी हमेशा सिमिलर होगा, क्योंकि सर्कल का जो शेप है हमेशा कैसा आएगा, गोल ही आएगा, साइज यहाँ पर डिपेंड नहीं करता। तो एक एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, सर्कल, क्योंकि हमेशा सिमिलर होगा, आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, सिर्फ यहाँ पर साइज अलग अलग होगा लेकिन शेप हमेशा क्या होगा, सेम। तो एक एग्जाम्पल तो इसका हो गया सर्कल, और एक अभी हमने देखा था इक्विलेटर ट्रायंगल, उसमें भी क्या होगा कि शेप हमेशा सेम होगा, साइज अलग अलग होगा, ठीक है। देन अब बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर की। तो नॉन सिमिलर फिगर में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि एक हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया और एक ट्रायंगल ले लिया, उनका शेप हमेशा अलग अलग होगा। एक हमने ले लिया यहाँ पर ट्रायंगल और एक हमने ले लिया यहाँ पर रेक्टेंगल, तो आप देखेंगे कि ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, और एग्जाम्पल चाहिए तो आप ट्रायंगल, रोम्बस कुछ भी ले सकते हैं, या रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम कुछ भी ले सकते हैं इस टाइप से भी। ये मैंने ले लिया यहाँ पर रोम्बस, और यहाँ पर ले लिया मैंने एक ट्रायंगल, ठीक है, या फिर सर्कल ले लिया, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं, एक हो गया सर्कल और इसमें हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल। देन यहाँ पर एग्जांपल होंगे नॉन सिमिलर फिगर में, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। हमको ये बताना है कि सिमिलर है या नहीं है ना। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट सिमिलर कब होते हैं, जब उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो और जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो सेम हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालेंगे तो वो तो सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चारों साइड इक्वल है और इधर भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है। आप जानते हैं कि रेक्ट एंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 90 के, और जो रोम्बस आपको यहाँ पर दे रखा है इसमें सारा एंगल 90 के नहीं होंगे, ठीक है, एक भी एंगल यहाँ पर 90 का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अनइक्वल, ठीक है, देयर
corresponding angles are unequal, therefore they are not similar. ओके, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, ठीक है. अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है. तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. ओके, थैंक यू.